हेलो फ्रेंड। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल का पूरी। तो इसके लिए यहाँ हम एक कुकर ले लिए हैं। अब हम उसमें ऐड करेंगे 2 कप चना दाल। तो आप जितना पूरी बनाएंगे उसी हिसाब से दाल लीजिएगा। अब हम दाल को अच्छे से 2 या 3 पानी से अच्छे से धो लिए हैं। अब हम उसमें ऐड कर दिए हैं नमक और हल्दी। अब अच्छे से मिक्स करके इसमें 4 या 5 सीटी लगाएंगे। तो इधर मेरा 5 सीटी लग गया है, दाल मेरा बॉईल हो गया है, वो चेक करते हैं। तो इधर मेरा दाल जो है वो अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम सबको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो दाल को हम इधर प्लेट में निकाल लिए हैं। इधर अब हम एक कढ़ाई ले लिए हैं। इधर अब हम एक कढ़ाई ले लिए हैं, उसमें ऐड किए हैं सरसों ऑयल। तेल मेरा गरम हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा और प्याज। अब हम यहाँ ले लिए लहसुन अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से कूट के। अब हम प्याज को हल्का फ्राई होने देंगे। इधर मेरा प्याज जो है वो फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ दाल। दाल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक मेरा दाल सूखा ना हो जाए। इधर मेरा दाल जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम सबको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इधर आटा तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम ले लिए हैं 2 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैदा। और यहाँ ले लिए आधा चम्मच नमक और अजवाइन। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करके अच्छे से पहले हाथ से मिक्स कर लेंगे आटा को। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा तैयार करेंगे। तो इधर मेरा आटा तैयार है। अब हम इधर पूरी बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ हमें एक लोई ले लिए हैं। अब हम इसमें दाल ऐड करके अच्छे से इसे गोला कर लेंगे। अब हम पूरी को हल्का हाथ से बेलेंगे। हल्का हाथ से बेलेंगे ताकि मेरा पूरी फूटे ना, इससे दाल बाहर ना आए। इधर अब हम एक कढ़ाई ले लिए हैं। कढ़ाई मेरा गरम हो रहा है। तो कढ़ाई मेरा गरम हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल। अब हम एक एक पूरी करके सारा पूरी को हम तल लेंगे। तो देख सकते मेरा चना दाल का जो पूरी है वो फूले फूले पूरी बनके तैयार है। तो यदि ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग ऐसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।